खबर जबलपुर से है, जहां जबलपुर उच्च न्यायालय में नियामक आयोग द्वारा लगातार बिजली के बिलों में हो रही वृद्धि के खिलाफ जनहित याचिका दायर की गई। जबलपुर में विद्युत नियामक आयोग द्वारा लगातार विद्युत बिलों में की जा रही वृद्धि के खिलाफ जनहित याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि कोविड-19 संक्रमण काल में कई लोगों की मौत हुई थी। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए थे कि कोविड-19 संक्रमण में मरने वालों के परिजनों को आर्थिक सहायता दी जाए, क्योंकि कोविड-19 संक्रमण की वजह से पूरा देश और नागरिक आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं। उसे देखते हुए विद्युत अधिनियम की धारा 108 के अंतर्गत राज्य सरकार चाहे तो विद्युत नियामक आयोग को निर्देशित करे कि वह 2022 और 2023 के लिए विद्युत दरों में वृद्धि ना करे, क्योंकि कोविड-19 संक्रमण की तीसरी लहर भी पैर पसारने लगी है। आम आदमी और नागरिक आर्थिक संकट से अब तक उभर नहीं पाया है और उसकी वित्तीय स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। इन बातों का उल्लेख करते हुए याचिकाकर्ता ने विद्युत नियामक आयोग द्वारा लगातार की जा रही विद्युत दरों में वृद्धि के खिलाफ याचिका दायर की है और माननीय उच्च न्यायालय से इस मामले में राज्य सरकार के निर्देश देने की गुजारिश भी की गई है। नियामक आयोग में एक बार फिर बिजली के दाम बढ़ाने को लेकर जो टैरिफ याचिका दायर की गई है कंपनियों की ओर से, किस तरह से आपने इसका विरोध किया है, क्यों अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्या मांग है? देखिए, हमने आज एक याचिका पेश की है जिसमें ये मांग की है कि कोविड जो अभी महामारी चल रही है उसमें पूरा देश आर्थिक वित्तीय संकट से गुजर रहा है और वित्तीय संकट को देखते हुए, महामारी में जो वित्तीय संकट है इसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कोविड से जितने भी मरीज की मृत्यु हुई है उनके परिवारों को आर्थिक राहत देने का एक निर्देश दिया था। तो हमने इस पिटीशन में ये मांग की है कि विद्युत अधिनियम की धारा 108 के तहत राज्य सरकार को पावर है कि वो विद्युत नियामक आयोग को ये निर्देशित करे कि ये विद्युत के जो दर हैं, जो टैरिफ बढ़ाए जा रहे हैं 2022-2023 के लिए, उसको बिल्कुल ना बढ़ाए जाएँ, क्योंकि वर्तमान में देश में कोविड और अभी एक नया ओमिक्रॉन जो नया वायरस आया है इससे लोग बहुत ही परेशान हैं और आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। इसलिए कम से कम इस साल विद्युत के जो भी दर है उसको बिल्कुल ना बढ़ाया जाए सेक्शन 108 MP इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के तहत। कब तक हियरिंग सुनेंगे? हियरिंग अगले हफ्ते इसकी हियरिंग हो जाएगी। जबलपुर से आशीष वाथरे की रिपोर्ट।